28 जून के करंट अफेयर में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब लोग 28 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी शॉर्ट फॉर्म होते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बना है ना। तो इसका आंसर है पैराग्वे। पैराग्वे एक कंट्री है, वो क्या बना है हाल ही में, ISA का 100वां सदस्य बना है। इस ISA का लक्ष्य क्या है भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि 2030 तक सौर प्रौद्योगिकी और उपयोगों में जो सोलर का उपयोग है कहाँ कहाँ पर, टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन में जो उपयोग है, इसके लिए क्या करना है भी $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना है, ताकि इनका बहुत से लोग क्या कर सके, उपयोग कर सके। मतलब 2030 तक सौर प्रौद्योगिकी और उपयोगों में $1 ट्रिलियन का निवेश क्या करना भी प्राप्त करना, ताकि इनका उपयोग बहुत से लोग कर सके। ठीक है, तो समझ में आया कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का सौवां पूर्ण सदस्य कौन बना है, पैराग्वे बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, हाल ही में T20 विश्व कप बल्लेबाजों की रैंकिंग में, मतलब ICC की जो बल्लेबाजों की बैट्समैन की रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर कौन है? देखिए इसमें शीर्ष पर हैं आपके ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, बैट्समैन। हाल ही में जो जारी हुई है T20I बल्लेबाजों की जो बैट्समैन की रैंकिंग जारी हुई है, ICC ने जारी किया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड टॉप पर आए हैं और सेकंड नंबर पर कौन रहे हैं अपने, सूर्य कुमार यादव। जो ट्रेविस हेड है इनके जो अंक है ये है 884 अंक है, जबकि सूर्य कुमार यादव कितने अंक मिले हैं इनको, 842 अंकों के साथ ये कहाँ आ गए हैं, दूसरे स्थान पर आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हाल ही में किस संगठन ने 2026 में SSLV का पहला समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण की घोषणा की है ना, मतलब कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल की, किसने घोषणा की है? देखिए ये की है इसरो ने। देखिए इसरो की एक व्यावसायिक कंपनी है, व्यावसायिक शाखा है, जिसका नाम है अपना, क्या नाम है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक शाखा है, व्यावसायिक शाखा है किसकी, इसरो की, जिसका नाम है NSIL, है ना। ये क्या है, कमर्शियल ब्रांच है, ये क्या है, कमर्शियल ब्रांच। ठीक, हाल ही में उन्होंने ये कहा है, इसरो की ये कंपनी ने कहा है कि 2026 में हम SSLV का पहला समर्पित वाणिज्यिक प्रक्षेपण क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक, तो SSLV होता क्या, ये होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV के फुल फॉर्म क्या होती है, होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, मतलब जो छोटी छोटी सैटेलाइट को क्या करता है, लॉन्च करता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, हाल ही में नेटो ने अपना अगला महासचिव किसे नियुक्त किया है ना, तो किसे अपना अगला महासचिव नियुक्त किया है, ये किया है मार्क रूटे को। ठीक, ये एक डच के क्या है, PM है, जो डच कंट्री है इनके क्या है, ये PM है। इन्होंने हाल ही में नाटो की बैठक में इनको अपना अगला महासचिव नियुक्त करने की घोषणा की गई। ठीक, ये कब करेंगे भी, 1 अक्टूबर को, कब करेंगे, 1 अक्टूबर को ये अपना क्या करेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, 1 अक्टूबर को अपना पदभार क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। देखो नाटो है क्या,
ठीक, नेटो है नॉर्थ एटलांटिक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यह है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, स्थापना कब की गई? इसको स्थापना की गई 4 अप्रैल 1949 को। ठीक, इसको बनाने के लिए कहाँ प्रस्ताव रखा गया था? ये रखा गया था वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी, जो पता है आपको कहाँ पड़ता है? यूएसए में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो कहाँ है? बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम। ठीक, मेंबर्स कंट्री कितनी है? 32 मेंबर्स है इसमें। कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स, जिसमें से 30 तो हैं आपके यूरोपियंस, 30 कौन से कम यूरोपियंस, और 2 हैं नॉर्थ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला तेंदुआ सफारी कहाँ पर खुला? ठीक, हाल ही में नया तेंदुआ, जो बड़े तेंदुए होते हैं उनके लिए एक स्थान खोला गया, वो कहाँ पर खुला है? ठीक, वो खुला है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। बेंगलुरु के किस स्थान पर खुला है? ये बना खुला है बन्नेर घट्टा में। कहाँ पर? बन्नेर घट्टा में ये क्या हुआ है? खुला है। ठीक, बनेर घट्टा के जैविक उद्यान में, बनेर घट्टा के जैविक उद्यान में ये खुला है। ठीक, इसकी जो किसने किया, ये पर्यावरण मंत्री है वहाँ के, पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडरे, ईश्वर खंडरे, इन्होंने इसकी क्या की है? घोषणा की थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली जनरेशन AI लैब कहाँ, क्या है? ठीक, जो भारत की पहली जनरेशन, फर्स्ट जेन AI लैब, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लिंक एक्स। क्या नाम है? ब्लिंक एक्स। देखिए, ब्लिंक एक्स एक कंपनी है। ब्लिंक एक्स क्या है? कंपनी है। इन्होंने अपना एक लैब बनाया है जिसका नाम क्या है? ब्लिंक एक्स। ब्लिंक एक्स फर्स्ट जेन AI लैब, ये लैब है इनका नाम। ठीक, उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो परिचालन दक्षता है और जो ग्राहक के अनुभव है उनको बेहतर बनाने के लिए AI का क्या करना है? उपयोग करना है। उद्देश्य क्या है? परिचालन दक्षता, मतलब एफिशिएंसी, और ग्राहक अनुभव, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए AI का उपयोग करना, AI का उपयोग करना, ये क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने नया सैन्य अभियान अजम ए इस्तेहकाम शुरू किया? देखिए, ये शुरू किया पाकिस्तान में। हाल ही में पाकिस्तान में क्या हुआ? घरेलू हिंसा बढ़ रही है, आतंकवाद क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है, तो इसी से लड़ने के लिए जो वहाँ के PM है शहबाज शरीफ, इन्होंने ये इस अभियान की क्या की है? शुरुआत की है। पाकिस्तान ने क्या किया? इसका शुरुआत किया। क्यों किया है? बढ़ती हिंसा और बढ़ती हिंसा और आतंकवाद से लड़ने के लिए। ठीक, लड़ने के लिए इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसका है इसका है स्थिरता के लिए संकल्प, स्थिरता के लिए संकल्प, इसका एक और भी नाम है, इसको भी याद रखेंगे, स्थिरता के लिए संकल्प। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? देखिए, हाल ही में पहल शुरू हुई है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक,
ये किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये किया आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक, जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इन्होंने हाल ही में इसकी क्या की है, शुरुआत की है। ठीक, ये कब से कब तक चलेगा? ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना। ठीक, उद्देश्य ध्यान रखना क्या है इसका, देखिए उद्देश्य यहाँ से यहाँ लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून चुनौतियों के लिए तैयार करना है। ठीक, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक, कब से कब तक चलेगा? ध्यान रखना 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक, देखिए इसका उद्घाटन किया है गांधीनगर में। कब किया गया? ये किया गया था 23 जून को। कब किया गया? 23 जून को। ठीक, कहाँ पर? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, कहाँ ये? गांधीनगर। कहाँ ये? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है जानते हो आप अच्छे से? क्या है? गुजरात। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार ASF, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रेरक एजेंट क्या है? देखिए ये है एक वायरस है। क्या है? ये एक वायरस है जो क्या है, तेजी से फैल रहा है। देखिए फरवरी से क्या हो रहा है, मिजोरम में जो ये ASF है, कहाँ? फरवरी से कहाँ पर? मिजोरम में। ASF से लगभग 3350 से ज़्यादा सुअरों की क्या हो गई है, मौत हो गई है। सुअरों की क्या हो गई है? मौत हो गई है। देखिए ये बेहद ही संक्रामक वायरल बीमारी है। ठीक, इसकी जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, क्या है, रेट ऑफ डेथ, ये लगभग 100% है, मतलब 100%। अगर ये किसी को हो गया, किसी को मतलब जानवरों में किसी को भी हो गया, तो 100% है कि उसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसके लक्षण क्या है ना, इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं भाई? बुखार, जानवर बुखार आएगा, कमजोरी आ जाएगी। ठीक, उनको दस्त लग जाएंगे, ये इसके क्या होते हैं, मेजर लक्षण होते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? क्या कोई इसका इलाज या फिर टीका है? आंसर है इसका कोई भी इलाज और टीका नहीं है। तो रोकने के लिए करते क्या, अभी जानवरों को मार देंगे भाई, जानवरों को मार देना। अगर नहीं मारेंगे तो ये, क्योंकि वायरल फीवर है, ये तेजी से फैलेगा, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, किसी ना किसी तरह ये क्या होगा, फैलेगा। तो इसलिए जिस भी जानवर में बीमारी आती है उसको मार करके क्या कर देते हैं, इस बीमारी को खत्म कर देते हैं। ठीक, इसका कोई इलाज या टीका, इलाज या फिर टीका नहीं है। समझ में आया? तो यहीं पर अपने 28 जून के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।